हेलो जागरूक जनता, हेलो एलएलए मेंबर्स, आप सभी का स्वागत है एलएलए के वेबिनार नंबर 23 में। और ये सिलसिला जो लगभग एक साल पहले शुरू हुआ था, अब जून महीना आ रहा है और हमने एग्जैक्टली जून 2020 में पहला वेबिनार किया था और अब ये 21 तक हम पहुंचने वाले हैं। और ऑलमोस्ट हर मंथ हमारे दो वेबिनार होते हैं और उसी सिलसिले में इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हम जनरली जो वेबिनार्स करते हैं वो लेबर कंप्लाइंसेस के ऊपर, सैलरी के ऊपर, लेबर लॉज के ऊपर करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा वेबिनार होने वाला है वो इससे थोड़ा सा हटके होने वाला है। आज हमारा वेबिनार होने वाला है किस तरह से अपनी लॉस्ट वेल्थ को, ऐसी वेल्थ जो अब आपके पास नहीं है फॉर वेरियस रीजंस, कहीं और लॉक हो चुकी है, वो उसको किस तरह से रिट्राइव किया जाता है। मैं कुछ कंटेक्स्ट सेट करता हूँ आपको, उन सभी मेम्बर्स के लिए जो नए जुड़ रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, आपको अगर आवाज़ वगैरह आ रही है तो इससे पहले कि हम आज के वेबिनार के बारे में बात करें, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अगर आपको आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके मुझे बता दें, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपके जो भी कमेंट, जो भी प्रश्न हैं वो आप चैट में मेरे साथ लिखते जाएं, हो सकता है उनके कुछ बीच में वेबिनार के या फिर टूवर्ड्स द एंड हम डेफिनेटली सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप चैट में एक्टिव रहें, चैट में लिखते जाएं, मैं वहां से आपके सारे क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। और इसका जो अपने वेबिनार का नोटिफिकेशन है वो आपको ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू मिल जाता है और हम कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर देते हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे, आप वेबिनार पूरा नहीं देख पा रहे हो या आप लेट ज्वाइन कर रहे हो वेबिनार में, तो आप पिछला वाला पार्ट बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर्स के लिए ये आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर वेबिनार मिल जाएगा। तो चलिए आज के वेबिनार का कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनसे जब मेरी पिछले हफ्ते बात हो रही थी तब उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स बताए, दो नंबर्स आर स्टैगरिंग। मतलब कितना सारा पैसा लोगों का, जो शायद उनको पता है पता नहीं है, उनके फिजिकल शेयर्स गुम गए हैं, ऐसे शेयर्स का पैसा जो उनका डीमेटरलाइज नहीं हुए थे शेयर, कई लाख करोड़ रुपए का शेयर्स फंसे हुए, बहुत सारा ऐसा पैसा जो अब इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट हो गए हैं, जिसमें जो ओनर था बैंक अकाउंट का उसकी डेथ हो गई है, कोई नॉमिनी प्रॉपर नहीं था और वो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। बहुत सारा पैसा इसी तरह का पीएफ में पड़ा हुआ है और अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पड़ा हुआ है। और ना सिर्फ ये है कि पर्सन की डेथ हो गई हो, कई बार लोग अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, उनके पास प्रॉपर तरीका नहीं रहता उस इन्वेस्टमेंट को क्लेम करने का, रियल एस्टेट एक्सेट्रा में भी ऐसी कई सारी चीजें हो जाती है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट किस तरह से रिट्राइव किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, क्या आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हो कि ऐसी सिचुएशन आपकी आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ना हो, तो उन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और आज के हमारे जो स्पीकर हैं उन्हें इस इंडस्ट्री का पिछले 10 साल से अनुभव है। और लास्ट वीक हमको एक वेबिनार, दूसरा मैं वेबिनार अटेंड कर रहा था, उसमें फॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद हमने बात करी और काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि ये दिस इज़ अ टॉपिक विच एवरीवन शुड नो, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। तो मैं शेयर समाधान के को फाउंडर मिस्टर विकास जैन को बुलाना चाहूँगा जो आज के हमारे स्पीकर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलएलए वेबिनार में। Thank you so much, Rishabh, and thank you for the warm introduction and setting the context. Thank you, sir. So, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, I would like to have short introduction of you. अगर मैं कुछ चीज miss किया है तो. So, Rishabh, mostly आपने cover कर लिया, and इस particular session में next half an hour will be quite interesting and. I'm hopeful कि आप लोगों को इस चीज के बारे में सोचने में मजबूर कर देगा कि वेल्थ कमाना तो जरूरी है ही है, बट वेल्थ कमाने से ज्यादा वेल्थ की प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट हाफ एन आवर आई फील दैट इट वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। तो चलिए वेबिनार अपने प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। First, we will cover all the points of the presentation and the chat is open for questions. You keep on adding questions and हम लोग end में आपके सारे questions लेने की कोशिश करेंगे। विकास जी, over to you. Thank you, Rishabh जी. So, can you see the screen, Rishabh? Yes, yes, definitely. So, thank you so much, Rishabh. So, the topic suggests, protection of wealth and retrieval of wealth. A topic which is little different. Most of you must have come across topics that where to invest, how to invest. So investment is good. We do a lot of hard work to earn and to invest. But protection of wealth, protection of your hard-earned money, is also
equally important. So when I'm talking about investments, you know, ये assets class है जो हम अपने overall you know couple of years में जब हम job में रहते हैं, business में रहते हैं, जो भी कमाते हैं, basically we invest right from real estates to physical shares, you know, people in employment, their contribution goes to PF, insurance. So ये varieties of investments होते हैं basically जो हम invest करते हैं. And ऑफ लेट क्रिप्टो जो मिलेनियल्स के लिए दिस इज अनदर एसेट क्लास विच इज कमिंग अप. सो वेल सो दिस आर दी वेरियस एसेट क्लास विच वी इन्वेस्ट. नाउ यू नो बिटकॉइन एज आई वॉज टॉकिंग जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिटकॉइन की वैल्यू भी काफी बढ़ गई है. एंड यू मस्ट हैव कम अक्रॉस वेरियस मीडिया हाउसेस. वन न्यूज वॉज ट्रेंडिंग दैट a German programmer who make a small illustrative video for Bitcoin in the year 2011, he got 7,000 Bitcoin and uski value aaj ke din mein 1800 crore rupees ho gayi. And somehow he forgot the password of his Bitcoin wallet and it completely got logged. 10 bar aapko time mauka milta hai to unlock your password, but he has already tried it 8 times, so only 2 times has left. And if you forget the password to your crypto, or for that matter, you know, any investment, you know, instrument, specifically for crypto, I'm saying, there is no company in the world or no helpline that can help reset the password. So the point what I wanted to say that investment is good, but maintaining those investment detail, protecting your hard-earned money is also equally important. अदरवाइज तो यू नो हिंदी में कहावत है, भूल गया तो सब गया. एंड दैट्स वेयर आवर टॉपिक ऑफ वेल्थ प्रोटेक्शन कम्स इन. सो यू नो एज आई वाज सेइंग वी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हम काफी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट द क्वेश्चन विच आई वॉन्टेड टू पॉन्डर अराउंड दैट आर वी नॉट कॉम्प्लेसेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर वेल्थ. व्हेन आई एम सेइंग कॉम्प्लेसेंसीज, you know, including myself, you know, if we ask this questions to each one of you, you know, are your family members aware about your investment detail? Family mein kisi ko pata hai? If we ask ourselves, you'll come to know whether your investment is protected or not if something contingency happens in your life. No. So whom are you earning for? As I was telling earlier, we slog day in, day out. You know, people are in employment. सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक, you know, वो लोग employment में रहते हैं. Businessmen, entrepreneurs, our fathers, forefathers also. You know, they slog in, day out to create something. You know, so for whom we are doing it? So we are doing it for our family. So we wish to have a dream home, good education for our children, and a good retirement life. यही एक life में मकसद होता है. आप अच्छे कमाएंगे एंड एटलीस्ट आपका जो आने वाला टाइम है, यू नो, यू विल क्रिएट एनफ वेल्थ सो दैट इन केस ऑफ कंटिंजेंसी आपकी वेल्थ, यू नो, आपके फैमिली के काम में आए. सो दैट्स वेयर यू नो द क्वेश्चन वुड कम दैट हैव वी एंश्योर्ड आवर वेल्थ प्रोटेक्शन. हैव वी एंश्योर्ड इनफ दैट कल को कोई भी कंटिंजेंसी होती है तो अपनी कमाई हुई संपत्ति, यू नो, वो अपने परिवार को, राइटफुल ओनर को, राइटफुल लीगल हेयर को वो इजीली मिल सके. सो लाइफ इज अनसर्टेन, हमको सबको पता है. ओल्ड एज भी हो सकती है, नेचुरल कैलमिटीज भी होती है, डिसेबिलिटी भी होती है. एंड COVID-19 जो अभी हो रहा है, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल. यू नो ऑफ लेट एवरी वीक वी कीप ऑन हियरिंग, यू नो, वी आर लूजिंग आवर नियर एंड डियर वंस. सो कंप्लीटली अनसर्टेन, राइट? एंड जस्ट टू शेयर माय स्टोरी, I'm also a first generation entrepreneur, and this journey of Share Samadhan, Sare Samadhan is an accidental venture for me. While working in corporate in the year 2009, I lost my own brother in road accident. A BSF, you know, vehicle banged him from backside and I lost him. You know, after I lost him, it took me 3 years first to identify his wealth. A typical story of every home, that the earning member of the family, he or she does not share their investment detail even with their family member. It took me a couple of years first to identify,
and then to retrieve those investments. You know, so a tough time. That day, you know, I realized that if it can happen with me, probably it can happen with anybody. So you know, the point I wanted to share, that it's good that we are living our life. You know, we have a lot of dreams to pursue and we are earning a lot. We are investing any financial instrument. But protection ke liye bhi aapko sochna bahut zaruri hai, specifically uncertain time. Why I'm saying uncertain? You know, agar aap logon ko sabko pata hai ki, you know, main mujhe 100 saal tak kuch nahi hoga, then it's pretty fine. But you know, God has not given you a bond paper and saying that, you know, nothing will happen to you for next couple of years. And at the fag end of retirement, you can share your investment or your wealth with your family member. Aisa hota hai, aisa kabhi bhi nahi hota hai. That's why, you know, the protection of your wealth is very important. So what should we do? You know, aapne wealth kamai hai, choti choti cheeze, not a rocket science, but why, you know, I wanted to share, hume pata rehta hai, but hum usko seriously lete nahi hai. You know, we discuss it after this webinar also, you will be busy in your life. But this is something which you have to ponder around. You know, aadhe ghante mein kisko kya hone wala hai, kisi ko kuch pata nahi hai. So that is, you know, reason that you should be little systematic in terms of ensuring that your wealth is being protected. So family member need to made aware about your investment detail. आप अपने फैमिली को अगर नहीं बताना चाहते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि अभी फैमिली को बताएं नहीं बताएं, सो यू कैन बैंक अप ऑन योर फाइनेंशियल प्लानर और एनी फ्रेंड और रिलेटिव हु इज वेरी क्लोज टू यू. नॉमिनेशन इज समथिंग, यू नो, फॉर ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नॉमिनी इज समथिंग, यू नो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड एंश्योर कि आपके सारे बैंक अकाउंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, भले ही वो डीमैट में है, पीएफ में है, एज यू नो रिसर्व वॉज ऑल्सो सेइंग, PF, EDLI kind of an opportunities are there where आती है चीजें बट लोगों को पता नहीं चलता है. So nomination is also equally important. And preserving the information in a structured manner. You know, information आपके पास है but उसको आप कैसे maintain करो, that is also equally important. There are a lot of, you know, ways and means to protect your wealth in terms of preserving your information. सब लोग अपने घर में फाइल रखते हैं, ऑफिस में भी फाइल्स रखते हैं, लॉट ऑफ पीपल मेंटेन देयर गूगल शीट्स एंड अदर थिंग्स. सो इट्स माय एडवाइस आल्सो, अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग योर डिटेल एट होम, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि घर के अलावा भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप वो इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सके. कीपिंग एवरीथिंग एट होम इज ऑल्सो नॉट 100% प्रोटेक्शन ऑफ योर वेल्थ. सो देयर आर लॉट ऑफ रिपोजिटरी, डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम्स आर देयर which can maintain your information on a digital servers. You know, company like in Share Samadhan, we have a digital repository also where you can briefly maintain the investment detail. Otherwise, kya hoga ki aapki jo investment hai, wo completely unclaimed reh jayegi. Ghar wale ko agar pata hi nahi chalega apne investment ke bare mein, to how will you recover it? So option is yours. You do something where you have all the informations which is being shared with the family or trusted partner in the family. Else, you know, those investment would remain unclaimed and eventually it will go to Government of India only. Some of the important point about succession planning or will, why it is important. The, you know, public reported numbers says that 67% of the property disputes are just because, you know, clearly will ghar mein family mein maintain hoti nahi hai. And most of these property disputes out of this 83% are within family only. So very important to make a will. Now another important thing, you know, a lot of people feel ki main apne financial instrument mein agar main nominee bana deta hu, suppose aapke paas bank account hai, aapke paas demat account hai, aapne usme nominee bana diya. So making a nominee does not mean that your wealth will transfer to legal heir. Lot of people have a misnomer ki nominee or legal heir dono same hota hai. So just for your clarification, nominee and legal heir both are different. I can make nominee to reserve also, he's good friend of mine. So having nominee does not mean that if something happens to the person whose investment is there, the nominee will be able to claim it. Nominee is just acting as a trusteeship. He will ensure that after the death of the primary holder,
nominee will ensure that the entire money will go to the legal heir. So legal heir can be there anybody in the family. So that's another misnomer which I wanted to communicate. So a nominee is just a caretaker, not the owner of the assets. And here brings an important point that it is all the more important to make a will so that ye disputes future mein nahi aaye. Importance of will, as I said, COVID-19 just a scenario where the entire world is confronting this challenging time. This is the most challenging time after World War II. So simple things to communicate that make a will so that you avoid future dispute in the family. Nahi to jisko hona hai wo to ho jayega, but then family, we have a lot of cases right from Lodhas and other corporate houses jahan will na banne ke karan kafi issues hue hain. Some of the quick things, logo ko will bolne se logo ko lagta hai ki ye complex affair hai. So making a will is not at all complex affairs. It can be on a plain paper also. No, will need not be registered also. So this is as simple as making a communication in the papers, writing these are the assets which will go to this. Okay. So if the will is not there, then वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार फिर वो फैमिली मेंबर्स को लीगल हेयर को मिलता है. समटाइम्स इट वुड क्रिएट अ डिस्प्यूट आल्सो. एंड विल बनाने के बाद आप एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन चेंज द विल. तो ये भी एक मिसनंबर रहता है कि एक बार विल बना दी तो बार बार चेंज करने में प्रॉब्लम होती है. नो, नॉट टिल यू आर सर्वाइविंग यू कैन मेक द विल एनी नंबर ऑफ टाइम. द लास्ट विल विच इज देयर दैट वुड बेसिकली गेट अ प्रेफरेंस over the earlier will which is being prepared by the person. Essentials of will, ye char cheeze honi chahiye. You can make a will on a piece of paper also. Date of will is very important. Signature, hum agar will likh rahe hain to hamara signature is important. Do witness hona chahiye so that to avoid a dispute in the future. And executor of the will is also important. Agar family mein aapke kafi legal heir hai to kabhi kabhi स्मूथ ट्रांजिशन होता नहीं है विल बनाने के बाद भी. तो आप जब विल बनाते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं. सपोज इफ आई एम मेकिंग अ विल आई कैन मेक रिसर्व एज एन एग्जीक्यूटर ऑफ द विल सो दैट इन केस ऑफ एनी कंटिंजेंसीज रिसर्व एज एन एग्जीक्यूटर वुड एंश्योर दैट माई एंटायर वेल्थ विल फॉल एट द राइट प्लेस. So with that, these are small things which is very important. It's again my humble request. We have seen unprecedented time of COVID-19. So please think through it and ensure that your entire information, whether it's a financial, non-financial, property related information, you create a mechanism so that at least the family is aware about those investment details. Now, wealth retrieval in case of contingencies, what we do. So this is the before I explain what is this unclaimed investment. Agar aap family mein agar apne investment ke bare mein nahi batayenge to ultimately wo family ko bhi pata nahi chalega and over a period of time that would remain unclaimed. So is desh mein 3 lakh crore ke physical shares abhi bhi hai. This number has increased substantially because this number is pretty old, 5-6 years old reported numbers. So unclaimed insurance, 15-20,000 के insurance ऐसे हैं country में जहां 100% insurance premium pay हो गया, but family में जिसने insurance की policy ली है उसको कुछ हो जाने के बाद family में पता ही नहीं है कि वो insurance कहाँ है. Unclaimed bank account where this money is still lying in bank account of the country and वो कुछ एक particular period के बाद अगर आप claim नहीं कर पाओगे तो ये सारे के सारे investment unclaimed हो जाएंगे. I'll just give an example. 5-6 years back, one of our client came. Her father invested in 1970s. 450 shares of ITC. एक ही बेटी थी, बेटी के शादी हो गई, and father expired 2-3 years back. Daughter was not aware about any clue of his father's investment. But जब अपने घर में गई, तो she got some paper from ITC. She approached us through one of our business partners. So we have a lot of business associates across country. So she approached her, and you won't believe that 450 shares of ITC became
2.5 lakh shares of ITC. So 6.5 crore worth of ITC we could recover for her, 38 lakhs of dividend. So fortunes banta hai over a period of time, but unfortunately wo uski family ko wo kagaz haath mein lag gaye. Otherwise that would remain unclaimed. So again, the same lesson for us, protection is important. Family should be aware about your investment detail. Unclaimed provident fund, where we keep on changing our job, but if God forbid something happens, you know, this provident fund would also remain unclaimed. 43,000 is a staggering number. And as Rishabh was also saying, you know, most of us who works in employment, you know, there is a concept called EDLI. Now, आपको 7 लाख तक एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम मिलता है, बट फैमिली को अगर पता ही नहीं होगा कि मेरे पी एफ कहाँ है, इन वॉट ऑल कंपनीज आई वर्क, यू नो, अगर पता ही नहीं होगा तो प्रोबेबली वो जो बेनिफिट्स है, जो क्लेम करने का अपना राइट है, वो अपन क्लेम नहीं कर पाएंगे. सो फैमिली शुड बी अवेयर अबाउट दोज इन्वेस्टमेंट डिटेल. सो बिफोर यू नो आई मूव, यू नो, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, घर पे आप पेपर रखो. Yeah, second, you know, there are a lot of digital wallet which are there. You can briefly maintain on an encrypted server also, with a low confidential information, so that kal ko kuch problem hoti hai, to family can access that information also. What can be unclaimed? So as I've already explained, it can be any financial instrument. Aapka insurance mein hai, mutual funds mein paise rehte hain. Postal savings itself is, you know, 15-20,000 crore, money just lying in savings, whether it's an unclaimed bank accounts or postal savings. So these are the varieties of investment which remained unclaimed over a period of time. रीजन्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. एक तो होता है कि आप फैमिली को बताते नहीं हो. दूसरा, काफी रीजन्स ये होते हैं कि यू नो, यू कीप ऑन चेंजिंग योर एड्रेसेस. नो, कभी आप आसाम में थे, आसाम से शिफ्ट होकर आप जयपुर आ गए, जयपुर से आप अब्रॉड चले गए. सो जब एड्रेस चेंज होता है, तो आपको जहां जहां एड्रेस चेंज हुआ है, उनको बैंक को हो, डीमेट में हो, प्लीज एनश्योर दैट यू मेक यू नो अपडेशन ऑफ योर न्यू एड्रेसेस. अदरवाइज वो पुराने एड्रेसेस में जाते रहेगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा. लॉट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, यू नो, दे आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट. यू नो, इंडिया में बैंक अकाउंट खोलना बहुत ईजी अफेयर है, यू कैन ओपन इन 5 मिनट्स, बट क्लेमिंग मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट इटसेल्फ इज ए टीडियस टास्क. सो यू नो, फॉर लॉट ऑफ सीनियर सिटीजन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. लॉट ऑफ NRI हु केम टू इंडिया हैड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, who moved from India to abroad, but they are not bothered to even claim, because unke liye 5 lakh 10 lakh probably looking at the time, effort and energy, wo unke liye itna important hota hai, nahi hota hai. So they just keep it ignorant. So there again, you know, company like Share Samadhan comes into the picture. You know, we assist them to retrieve all those lost investments, forgotten investments or unclaimed investments. So they need not roam around from pillar to post. Then, you know, we basically then help them to retrieve those investments. Hassles for a family, agar family mein kisi ko kuch ho jata hai, so these are the various regulatory authorities where one has to approach, you know, right from Ministry of Corporate Affairs, agar aapke shares ke paise fas gaye hain, bank, Reserve Bank of India, aapke bank mein fas gaye hain. Another important things to know for you, you know, if your money lying in PPF, money lying with insurance companies or inoperative bank account, if it remained unclaimed for 10 years, it gets transferred to a dedicated fund. If it is for RBI, it goes to deposit awareness fund, or if it is an insurance, goes to an IRDA regulatory fund. वहाँ अगर आपने 15 साल तक अगर claim नहीं किया, then that money will be used for senior citizen welfare fund. So, फिर आप उसको कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपके पास आपके फैमिली में भी ऐसे अगर पुराने इन्वेस्टमेंट है, सो आप उसको टाइम रहने के पहले यू शुड ट्राई एंड सी इफ यू कैन रिकवर इट सूनर देन लेटर, अदरवाइज वो फिर जिंदगी भर अनक्लेम रह जाएगा. लॉट ऑफ अथॉरिटीज, इन्वेस्टमेंट ऑफिस, यू नो, पी एफ रिलेटेड, यू नो, पी एफ आर डी इज देयर, रीजनल ऑफिसेज ऑफ पी एफ आर देयर, वेयर यू कैन अप्रोच दोज पी एफ अथॉरिटीज टू नो एनी इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज ऑल्सो. Now, money trial, suppose family में बताया नहीं, earning member को कुछ हो गया suddenly, God forbid, you know, suppose COVID like scenario, तो आप कैसे identify करेंगे कि कहाँ कहाँ investment थे?
सो जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव कि मनी ट्रायल को देखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. विल, अगर फैमिली में कोई विल बनी है, नहीं भी बनी है, सो फर्स्ट थिंग वी शुड अप्रोच टू द फाइनेंशियल प्लानर और लॉयर इन द फैमिली कि अगर बनी है तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ अगर बनी है तो यू नो विल गेट सम डिटेल्स ऑफ योर ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. अगर डिसीज्ड पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं है, सो लुक फॉर द पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आई डी इफ इट इज अवेलेबल एट होम. विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेयर ऑल दोज इन्वेस्टमेंट्स आर देयर. टैक्स फाइलिंग पेपर्स, टॉकिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन गो थ्रू द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. बैंक स्टेटमेंट में आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों पता चल जाता है. सो सम ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपको इंश्योरेंस की डिटेल अगर आपको पता नहीं है तो बैंक अकाउंट में इफ यू गो थ्रू इट, सो दो डेबिट स्टेटमेंट इन योर बैंक का बैंक स्टेटमेंट विल गिव यू सम इंडिकेशंस कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुए हैं. सो दैट वुड हेल्प यू एटलीस्ट टू नो सम इन्फॉर्मेशन. चेकबुक ऑल्सो गिव यू सम क्लू अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. You know, home ownership papers, property ke papers, easy to identify if it is readily available. Bank locker, jo maine aapko example diya ki jis family ke humne 6.5 crore rupaye nikale, that family again came to us 3 months back and she said that her father had a bank locker in Punjab National Bank in Delhi. So bank locker se paisa nikalna, you know, deceased ke baad, It's actually a tricky affair. You know, you have to get the court order. Time consuming process, but yeah, bank locker, getting an access to bank locker might give you a lot of information which might be there in bank locker also, apart from valuables in the bank locker. Broker's account, aap share brokers ko you can approach if the deceased has a bank account or a demat account with the brokers. Currently, NSDL and CDSL also do send the monthly statement. वहाँ से आपको उनके mutual fund के investments आपको पता चल जाता है. Somebody had is an entrepreneur, तो उनके office से आप access ले सकते हैं. If God forbid if some papers are there in office drawers. So these are small things, you know, which can give you a trial about the tentative investments or money which has been invested by the deceased person. Term insurance policy, off late, you know, this is catching up pretty fast. So that gives some financial protection to the family. So you can talk to the insurance advisors if you know. So ये जो small जो चीजें हैं ना, so the point which I wanted to say, ये situation आने के पहले अगर आज हम ये ensure कर लें कि ये जो चीज है ये एक briefly किसी you know online place में या digital wallet में वो पड़ी रहे, so at least इतनी भी अगर पता रहता है तो आप you know desired investment avenues तक पहुंच सकते हैं. नाउ हाउ टू रिट्रीव योर वेल्थ, यू नो अगर आपके फिजिकल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो जिस कंपनीज में है, पुराने जमाने में लोग फिजिकल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, सो द फर्स्ट टच पॉइंट ऑफ द पर्सन हु कैन हेल्प यू टू रिट्रीव दोस फिजिकल शेयर्स इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी. सो अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, गो टू रिलायंस इंडस्ट्रीज वेबसाइट, इन्वेस्टर सेक्शन होता है, वहां सेक्शन में आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, नेम द कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो यू विल गेट. सो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट टू दैट पर्टिकुलर कंपनी सेइंग दैट दिस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिसीज्ड, दे विल ऑल्सो देन लेट यू नो द नेक्स्ट प्रोसेस. कई बार कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में रहती है बट कंपनी इस पर्टिकुलर चीज को आउटसोर्स कर देती है. सो देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, RTA. So they are also an agent of the company. So you can approach them. Her registrar ke jo detail hai, wo company ke websites mein aapko mil jayegi. So wahan aap unko approach karke, aapko investment ki detail aapko mil jati hai. That's the first touch point. Agar bank account hai, obviously the bank manager of the respective bank, you approach them. Even if you do not know the bank account number, अगर बैंक मैनेजर को बोलेंगे एंड इफ यू कैन प्रूव दैट यू आर द लीगल हेयर, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. सम ऑफ द बैंक ओल्ड अकाउंट जहां आपको बैंक अकाउंट के डिटेल कुछ भी पता नहीं है, सो अब RBI ने मैंडेटरी कर दिया है, इन द रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स ऑफ ऑल द बैंक्स दे आर अंडर मैंडेटेड टू शो दिस पर्टिकुलर डिटेल. सो यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ इन ऑपरेटिव बैंक अकाउंट बाई विजिटिंग टू रेस्पेक्टिव बैंक्स वेबसाइट्स.
उसी हिसाब से पीएफ ऑब्वियसली द एचआर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी इज द फर्स्ट टच पॉइंट, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल 15 साल 20 साल के करियर में हम लोग काफी जॉब चेंज करते रहते हैं. सो बीइंग यू नो फैमिली में ये तो हमें पता रहना या हमारी फैमिली को ये बताना जरूरी है कि 10 साल में यू नो मैं किन किन कंपनियों में काम किया है. वो इंफॉर्मेशन फैमिली को कहीं भी आप मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज तो फैमिली को पता ही नहीं रहेगा कि कौन कौन से कंपनी में काम करते थे, पीएफ उन्होंने विड्रॉ किया या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पीएफ ट्रांसफर कर लिया. सो ये काफी एक चैलेंजेज होता है, बट ऑब्वियसली इफ यू नो द नेम ऑफ द कंपनी द एचआर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी वुड डेफिनेटली हेल्प यू. इफ इन केस द एचआर ऑफ द कंपनी इज नॉट हेल्पिंग or if the company where the deceased person used to work, if the company has closed down, then also you can approach the regional PF office to get the details of the PF account, the deceased holder's PF detail. So company close होने से आपके PF के पैसे कहीं भी जाते नहीं है. That is still lying with Government of India, though the process can be little cumbersome. Some of the important websites, watch out investors है, सेबी की स्कोर वेबसाइट्स है. if the company or any regulatory authority is not assisting, not helping you, so you can very much complain to them and the complaint redressal mechanism is pretty efficient. So with that, you know, I'm summarizing that yes, you know, we have a lot of investments, but please be careful. टू एंश्योर दैट कल को कुछ भी होता है तो फैमिली को आपकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी प्रॉपरली रहे. देयर आर मैकेनिज्म, आप घर पे मेंटेन करें, किसी के फ्रेंड्स को दो, किसी के ऑनलाइन मैकेनिज्म में जाओ, तो आप वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे तो एटलीस्ट परिवार को कभी भी कोई कंटिंजेंसी होती है तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो हम चाहेंगे कि शेयर समाधान या सारे समाधान जैसी कंपनी जो लोगों के पैसे निकालती है, डूबे हुए पैसे, हमारी जरूरत ना पड़े. दैट इज दी फर्स्ट विशफुल थिंकिंग, बट इन केस यू नो कभी हो जाती है कंटिंजेंसी, दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स वुड हेल्प यू टू एटलीस्ट आइडेंटिफाई दिस इन्वेस्टमेंट डिटेल. विद दैट थैंक यू सो मच ऋषभ, ओवर टू यू. थैंक यू विकास जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किए हमारे साथ, स्पेशली जो फाइन पॉइंट्स आपने विल के बारे में बताए, जो आपने पॉइंट्स बताए क्या क्या आपको करना चाहिए अपने फैमिली के लिए, एंड स्पेशली दिस कीपिंग दिस डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जब से ये डिजिटल जमाना बढ़ा है इन्वेस्टमेंट की तरफ, तब ना सिर्फ ये जो आपने वेन्यूज बताए, इसके अलावा कितनी सारी वेबसाइट्स होती है, लोगों ने इनवॉइस डिस्काउंटिंग से लेके बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं ऑनलाइन, वो पता ही नहीं होता है. बट हाँ, तो और भी इसमें कई सारी चीजें हो गई जिसको आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ता है. एंड इन एनी केस, अगर किसी के नोन में या किसी की फैमिली में ऐसा कुछ इश्यू है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर समाधान का लिंक भी रख दे रहा हूँ, आप उन्हें जरूर अप्रोच कर सकते हैं. अब आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप मेरे साथ शेयर करिए. अभी सिर्फ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, बाकी हाई हेलो देख पा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन आया है. अगर और भी किसी की कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप शेयर करिए. विकास जी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू अगर हम आंसर कर पाते हैं तो. सर आपका एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे मनीष का, ये पूछ रहे हैं कि आपने जो नॉमिनी वाली चीज बताई कि नॉमिनी इज वर्क्स एज अ ट्रस्टी एंड इज नॉट लाइक, उसको गारंटी नहीं कि उसी को पैसा मिलेगा, तो ये बात सभी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सही है क्या? ना, सभी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है मनीष जी, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स में ये है कि नॉमिनी जस्ट अ केयर टेकर. फॉर अ मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स nominee just act as a caretaker, but some of the investments like demat mein hai, demat mein nominee hai to wo nominee ko hi transfer ho jata hai, because companies act specifically says ki demat mein agar nominee hai to nominee ko hi mil jata hai. baki financial instrument mein nominee ko wo transfer hota hai, but nominee ke baad uske family mein jitne bhi legal heir hai, they have a right to stake claim in the property or the investment even if there is a nominee in that particular financial instruments. ठीक है, एक क्वेश्चन कल मेरे पास आया था, वैसे आई नो कि इसका इजी सॉल्यूशन क्या है. सो द फैमिली, द हस्बैंड एंड वाइफ हैड सम डिस्प्यूट एंड दे वर लिविंग अपार्ट बट नॉट डिवोर्स्ड, एंड इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड की डेथ हो गई कोविड के कारण,
तो अब जो पीएफ का पैसा है, वैसे ये होता है कि बाय डिफॉल्ट नॉमिनी तो वाइफ ही हो जाती है शादी के बाद, बट डिवोर्स जब तक नहीं हुआ है, देन नाउ फैमिली इज आर्ग्यूइंग के कैन दे क्लेम द मनी. फैमिली ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड इज सेइंग दैट दे वांट टू क्लेम विदाउट गिविंग इट टू वाइफ. यस. सो आई थिंक नो, इमोशन डज नॉट वर्क ऋषभ जी. सो इफ देयर इज नो पर्सुएशन या उन्होंने कहीं डिवोर्स की यू नो द प्रोसेस नॉट स्टार्टेड, सो कानून की नजर में यू नो स्टिल द लीगल हेयर हैज अ बेटर क्लेम देन एनी अदर फैमिली मेंबर. राइट. थैंक यू. तो आई गेस क्वेश्चंस, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस हियर, बट आई डेफिनेटली मेंबर्स कैन आस्क इन द ग्रुप इफ दे हैव एनी सच क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया. ओके. मी अलॉटेड मी एज एम्प्लॉई आर दीस. यादव जी, ये टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक सो ये यहाँ पे इतना रिलेवेंट है. बट हाँ, इसको अपन, जो आपने कंपनी वाला शेयर पूछा है सर, जो इसमें ईसॉप्स हैं, क्या ईसॉप्स को भी इसी तरीके से रिट्राइव किया जा सकता है? ईसॉप्स का भी हमको कहीं रिपोजिटरी मेंटेन करके रखनी चाहिए कि मुझे कंपनी ने ईसॉप्स ऑफर करके रखे हुए? ना, जरूर करनी चाहिए. से रिपोजिटरी में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन, आप ईसॉप्स भी दिए हैं तो ईसॉप, अगर आपका वेस्टिंग पीरियड है कि आप, आपको वो एंटाइटलमेंट आपको मिलनी चाहिए, तो आप ब्रीफली फैमिली को बता के रखें या डिजिटल वॉलेट में लिख के रखें, क्योंकि अगर आपको वेस्टिंग हो गई है तो आपके लिए वो भी एसेट ही है. वो कंपनी जब लिस्ट होगी तो आपको वैल्यू मिलेगी. राइट. 100%. ओके. ओके. In a situation where we are not aware of any details, मतलब पता नहीं है कि क्या कहाँ पे क्या investment किया गया है, what is the first step that family can take? Yeah, so मैंने जैसे आपको presentation में भी बोला था ऋषभ जी, so उनकी family को the first step is to reach out to the financial planner, financial advisor, insurance advisors, lawyers or chartered accountant who are close to the family. That's point number one. अगर वो income tax return file करते हैं तो they are the first one to approach. उसके अलावा इमिडिएटली घर में जो भी पेपर्स है वो आप देखें क्विकली, उनसे आपको छोटा छोटा क्लू मिलते रहेगा. आप बैंक अकाउंट देखिए तो आपको बैंक अकाउंट से क्लू मिल जाएगा. तो ये जो काफी जो चीजें हैं वो आप रिव्यू कर सकते हैं. एंड एनी सिनेरियो इफ स्टिल दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सो वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी हैप्पी टू लुक इनटू दोस केसेस. ठीक है. तो बेसिकली यू आर सेइंग के अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो फर्स्ट इज द रिव्यू. आपको जितने भी चीजें इंफॉर्मेशन मिल रही है यू इकट्ठा करिए, उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, और जहां तक आप खुद पहुंच सकते हैं पहुंचिए, अदरवाइज यू कैन हेल्प टेक अ प्रोफेशनल हेल्प. और कि यार ये वाला मैं कोशिश करके भी नहीं मिल पा रहा है, तो यू दे कैन प्रोफेशनली टेक योर हेल्प एज वेल. राइट. ओके. तो आई गेस दैट सम्स अप आवर वेबिनार वेरी वेल. एंड थैंक यू सो मच विकास जी, आपने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, एंड आई होप दिस विल हेल्प द कम्युनिटी एंड स्प्रेड अवेयरनेस एज वेल. एंड जो 4,00,000 करोड़ रुपए पड़े हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के, उसमें से कुछ करोड़ रुपए तो वापस निकालने में हम आप सबकी मदद करेंगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच ऋषभ जी. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वेबिनार पसंद आया होगा. मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को आप जरूर शेयर करें. और यार क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा सा पहले पूछ लिया करो. ओके. हाँ अच्छा, ये तो ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है. हरीश जी, आप एक काम करिए, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप एक मुझे मेल कर सकते हैं rishabh@vidbox.in पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. अगले संडे एक और हम वेबिनार रखने वाले हैं. 99% उसका टॉपिक ये रहेगा कि बिजनेसेस जो भी ओपन करता है उनकी लिस्ट ऑफ लेबर लॉ की कंप्लायंसेस क्या क्या होती है. और अगेन अ वेरी सीनियर कंसल्टेंट विल बी ज्वाइनिंग इन दैट वेबिनार. तो अगले संडे आपको फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.